भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और देश के अग्रणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित नेहरू की जिंदगी पश्चिमी सभ्यता से जरूर प्रभावित थी, लेकिन साथ ही वे भारतीय संस्कृति से भी जुड़े हुए थे। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू उच्च वकीलों में से एक थे। इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। नेहरू जी की 3 बहनें भी थीं। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष बनी। पंडित नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए विख्यात थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। महज 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की और 15 वर्ष की उम्र में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल भेजे गए। लंदन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की परीक्षा पूरी कर 1912 को भारत लौटे नेहरू ने वकालत शुरू की। मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। वकालत में रुचि कम होने से नेहरू राजनीति में भाग लेने लगे। 1912 में उन्होंने बाकीपुर बिहार में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गांधी ने युवा नेहरू में भारत का भविष्य देखा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। नेहरू ने 1920-1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान वे पहली बार गिरफ्तार किए। कुछ महीनों बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। नेहरू को 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की। नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 1936-37 और 1946 में चुने गए थे। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया और सन 1947 को भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय उन्होंने अंग्रेजी सरकार के साथ हुई वार्ताओं में महत्वपूर्ण भागीदारी की। साथ ही 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद दिया गया। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म 1917 को हुआ, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। नेहरू जी आधुनिक विचार और पश्चिमी सभ्यता से काफी लगाव रखते थे, जिसकी झलक उनके रहन सहन में देखने को मिली थी। जैसे सिगरेट पीना, काला चश्मा लगाना, गुलाब साथ लेकर चलना उनकी पसंदीदा चीजें थी। नेहरू खासतौर पर बच्चों से बेहद प्यार करते थे। नेहरू जी को बच्चे भी प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। यही वजह थी कि आज भी 14 नवंबर यानी नेहरू जी के जन्मदिन को बच्चे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। उन्हें 1963 में दिल का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में दूसरा दुर्लभ बना देने वाला दौरा पड़ा और कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। दूरदर्शिता और गंभीरता के परिचालक चाचा नेहरू आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन आजाद भारत को आगे ले जाने और दुनिया में सिरमौर बनाने का जो उनका सपना उन्होंने देखा था, उन्हें आज देशवासी पूरा करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन मनीष पटेलिया के साथ अशोक उपाध्याय, डीजी न्यूज़, भोपाल।